बच्चों अब इतिहास में भी रिवीजन चल रहा है, जो महात्मा गांधी का योगदान है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जो जैसा दिखाने के लिए क्या किया। गांधी जी जो स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखने के लिए अनेक कदम उठाए, उन्होंने जनता की दशा सुधारने के लिए एक वर्ष में देश के विभिन्न भागों का सबसे पहले उन्होंने भ्रमण किया, उसके साथ साथ फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। वहां पर जो समारोह में उपस्थित भद्रजन व अनुपस्थित गरीब लोगों की मध्य प्रतिदिन बढ़ती हुई आर्थिक विषमता की उनकी चिंता व्याप्त की। तब गांधी जी ने हमारी मतलब हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती, मतलब वे उस चीज को समझ गए थे, सिर्फ पढ़ा लिखा वर्ग और धनी वर्ग ही देश को देश के विकास में सहयोग नहीं कर सकता, वह गरीब वर्ग और जो किसान वर्ग है उनका भी होना आवश्यक है। इस तरह से उन्होंने ना वकील ना डॉक्टर ना ही जमींदार ऐसे को सुरक्षित रख सकते हैं, इस तरह से वे उस समय समझ चुके थे। फिर गांधी जी जो सामान्य लोगों की भाषा बोलते थे, उनकी तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी तरह मतलब ऐसा नहीं था कि वह एक विशेष व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने नहीं जाते थे, ना ही वो पाश्चात्य शैली के सूट अथवा ना ही बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्रों को धारण करते थे, बल्कि वे साधारण वेशभूषा में सीधी सादी जिंदगी में वह बिताते थे और लोगों के मध्य जब जाते थे एक साधारण सी धोती में ही जाते थे। इस तरह से गांधी जी ने जब अपना सिर मुड़वा लिया था और गरीबों का तारतम्य स्थापित करने के लिए सूती वस्त्र पहनने लगे थे, वे प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे, जिससे कि पारंपरिक जो भारतीय समाज में ऊंची जातियों की सूत कताई के कार्य को अच्छा नहीं समझती थी, इस तरह से वे क्या करते थे और बहुत से काम जो होते थे वे स्वयं करते थे, मतलब वे दूसरों के भरोसे नहीं रहते थे, छोटा से छोटा काम भी वे स्वयं करते थे जैसे एक साधारण व्यक्ति करता है। फिर किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, तो गांधी किसान महात्मा गांधी की एक मसीहा और लोकोपकारी चमत्कारिक शक्तियों के रूप से संपन्न वे समझते थे। अनेक प्रकार की अफवाहें थी जिसमें कि जनसमान विश्वास बन गया था, राजा उन्हें किसानों के कष्टों को दूर करने वाला, समस्याओं का समाधान करने वाला, इस तरह से वे मानने लगे थे। इस प्रकार की अफवाहें जब जोर पकड़ने लगी थी तो गांधी जी का विरोध करने की शक्ति ही नहीं थी और लोग उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते थे, और साथ ही साथ कई बार गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों पर भी रहस्यात्मक ढंग से गिर गए थे। इस तरह से लोग क्या करते, एक अफवाह जो थी गांधी जी की जो सात्विक जीवन शैली थी, लोग उसके द्वारा ग्रहण किए गए धोती चरखा जैसे प्रतीकों को अत्यधिक प्रभावित हुए और इस तरह से वे उनकी मार मर्यादा के रक्षक बन गए थे। फिर नमक कानून स्वतंत्र संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। नमक एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा थी, जो अपना सरकार जो थी एकाधिकार स्थापित कर लिया था, जिसको गांधी जी ने यह एक प्रकार का चौथरपा अभिशाप था, इस तरह से उन्होंने इसको नमक का प्रतीक रूप में चुनाव किया, जिससे कि शीघ्र ही नमक कानून स्वतंत्र संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी बन गया था। इसके प्रमुख कारण थे, नमक कानून ब्रिटिश सरकार के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था, फिर जन सामान्य नमक कानून की घृणित दृष्टि से देखता था, और नमक भोजन में एक अपरिहार्य अंग था, मतलब बिना नमक के खाना बनना संभव ही नहीं था। इस तरह से घरेलू प्रयोग के लिए नमक स्वयं बनाए जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। नमक कानून का व्यवस्था दुकानों उच्च मूल्य पर नमक खरीदना पड़ता था। नमक का राज्य का जो एकाधिकार और अत्यधिक लोकप्रिय था, जिसमें सर्वसामान्य इसमें असंतोष व्याप्त था। साथ ही सब नमक उत्पादन पर सरकार की एकाधिकार ने लोगों के एक महत्वपूर्ण किंतु सरलता पूर्वक जो उपलब्ध था वह ग्राम उद्योगों से वंचित कर दिया गया था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों थे। अखबार महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए थे कि अंग्रेजी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन समाचार पत्रों और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित घटनाओं का विवरण उसमें मिलता था, और समाचार पत्रों से ही राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता था। इसी तरह से बहुत सारी जानकारियां जो थी वह समाचार पत्र के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती थी। इस तरह से समाचार प्रकाशित करने वाली जो राजनीतिक विचारधाराएं थी वे उन विश्व में उनके प्रति अपना दृष्टिकोण, मतलब लोगों का दृष्टिकोण क्या है, दूसरे लोगों का दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इस तरह से राष्ट्रवादी विचार समाचार पत्रों में छपने वाले विवरणों के समान नहीं रहते थे। फिर चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया था। गांधी ने चरखे को एक समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे, प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। उनका विचार था कि चरखा गरीबों की पूरक आमदनी को प्रदान करने में आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकता है, क्योंकि उससे हम वस्त्र भी बना सकते थे और लोगों को बनाकर दे भी सकते थे। इस तरह से 13 नवंबर 1924 ईस्वी यंग इंडिया में लिखा है, मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है, यह सनक भ्रम बचाने वाली मशीनरीज के लिए है, ये तब तक भ्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के
जिसे केंद्रीकरण ही नहीं बल्कि हाथों से नहीं अपितु हाथों में ही करना चाहूंगा। इस तरह से गांधी जी ने 17 मार्च 1927 को यंग इंडिया में लिखा था कि मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता, अपितु प्रयोग नियमित करना और विकास को नियंत्रित करना चाहता हूँ, ताकि इससे क्या हो, सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी झोपड़ियों उनकी अपनी झोपड़ियों में करता और पहिया अपने आप ही मशीनरी को उत्कृष्ट नमूना बन गया था। इस तरह से इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में चुना गया था। स्टॉप कर, कहाँ से